हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम हॉगवर्ट्स टूर्नामेंट ऑफ हाउसेस के फोर्थ और लास्ट एपिसोड यानी ग्रैंड फिनाले की बात करेंगे। तो अभी तक तीन एपिसोड में हमने देखा था कि पहले राउंड में ग्रिफिंडोर और हफलपफ में क्विज कंपटीशन हुआ था, जिसमें ग्रिफिंडोर की टीम हार गई और हफलपफ फिनाले पहुंच गई। और फिर रेवनक्लॉ और स्लिदरिन में हुए कंपटीशन में रेवनक्लॉ टीम जीत गई और फिनाले में पहुंच गई। पर थर्ड एपिसोड यानी वाइल्ड कार्ड राउंड हुआ फिनाले में अपनी जगह बनाने के लिए, और ग्रिफिंडोर के बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद स्लिदरिन ने अपनी जगह फिनाले में बना ली। और फाइनली फिनाले एपिसोड आ गया जो हफलपफ, स्लिदरिन और रेवनक्लॉ के बीच हुआ। स्टार्टिंग में हेलेन चार्ली चैपलिन जैसी दिखती हुई आई और पहला राउंड हुआ जिससे जीतकर दो हाउसेज आगे जाएंगी और एक हाउस एलिमिनेट हो जाएगी। ये एक बजर राउंड होता है जिसका नाम क्विक कोर्स क्विल राउंड दिया गया था। जिन्हें पता नहीं, मैं बता दूं कि वो क्विल है जो हैरी पॉटर यूनिवर्स में रीटा स्कीटर के पास देखा गया था, जो मन से कुछ भी लिख देती थी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मालकिन की तरह। पर इस राउंड में ऐसा नहीं था। इसमें कंटेस्टेंट के सामने वाली पोर्ट्रेट वॉल पर 8 कैरेक्टर शो होते हैं, और होता यह है कि कैरेक्टर से रिलेटेड एक सीन दिखाया जाएगा और बीच में सीन कट कर दिया जाएगा, और कंटेस्टेंट को बजर दबाकर सबसे पहले वो डायलॉग पूरा करना था, और सही आंसर पर उस टीम का लोगो उस पोर्ट्रेट पर रिप्लेस कर दिया जाएगा और आंसर देने वाले खिलाड़ी को हटा दिया जाएगा। और ऐसे जिस टीम के तीनों लोगो उस वॉल पर आ जाएंगे वो टीम जीत जाएगी। पहला कैरेक्टर था ड्रेको मेलफॉय और ये सीन दिखाया जाता है, और यहाँ स्टॉप कर देते हैं। सबसे पहले बजर रेवनक्लॉ वाले दबाते हैं और एनी सही आंसर दे देती है डिमेंटर। अगला सीन हैग्रिड का दिखाया जाता है ये वाला। स्लिदरिन टीम बजर दबाती है और सही आंसर दे देती है प्रून। थर्ड मैकगोनिकल का ये सीन आता है और रेवनक्लॉ टीम सही आंसर दे देती है हॉरर। अब रेवनक्लॉ के दो शील्ड वॉल पर आ गए थे। अगला सीन डोलोरेस अम्ब्रिज का आता है और बजर स्लिदरिन बजाती है और सही आंसर दे देती है सेवियर। अभी रेवनक्लॉ और स्लिदरिन दोनों के दो दो शील्ड होते हैं जबकि हफलपफ का एक भी नहीं। अगला सीन स्नेप का आता है और स्लिदरिन की लास्ट खिलाड़ी बजर बजाती है और सही आंसर दे देती है नाउ, और इसी के साथ स्लिदरिन की टीम सेलेक्ट हो जाती है। अगला सीन वर्टॉन का आता है, हफलपफ बजर दबाते हैं और सही आंसर दे देते हैं बेडरूम। अगला कैरेक्टर वोल्डेमॉर्ट होता है और उसका ये सीन आता है और बजर रेवनक्लॉ की आखिरी खिलाड़ी लुइस दबाती है, पर वो गलत आंसर दे देती है और ब्रदर्स कह देती है, और हफलपफ टीम के अंकल डेविड सही आंसर दे देते हैं ट्विंस। अब लास्ट सीन आना था और दोनों टीम के एक खिलाड़ी थे, और सीन आता है लूना लवगुट का, और हफलपफ का लास्ट कंटेस्टेंट ल्यूक बजर दबा देता है और आंसर देता है फजी, जो कि सही होता है। और इसी के साथ स्लिदरिन और हफलपफ फाइनल में पहुंच जाते हैं जबकि रेवनक्लॉ टीम बाहर हो जाती है। हफलपफ और स्लिदरिन के बीच कंपटीशन शुरू होता है। पहला राउंड ड्यूलिंग क्लब आता है और स्लिदरिन वाले डेविड को चूज करते हैं 10 पॉइंट्स के क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन आता है कि सॉर्सरर्स स्टोन मूवी में सेशन के एंड होने पर हफलपफ के टोटल हाउस पॉइंट्स कितने थे। वो 342 कह देते हैं जो कि गलत होता है, पर फुल हाउस सही आंसर दे देती है 352। और उसके बाद हफलपफ स्लिदरिन के मिशेल को चूज करते हैं, और क्वेश्चन आता है गॉब्लेट ऑफ फायर में स्टार्टिंग में मरने वाले मगल का नाम क्या था। वो सही आंसर दे देती है फ्रैंक ब्राइस, और साथ ही फुल हाउस भी। 30 पॉइंट्स के लिए स्लिदरिन वाले हफलपफ के ल्यूक को चूज करते हैं, और क्वेश्चन आता है कि जस्टिन फिंच फ्लेचली का हॉगवर्ट्स आने से पहले किस स्कूल में सिलेक्शन हुआ था। वो सही आंसर दे देता है एटन और हाउस बी। और इसके बाद वो जूलिया को सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सॉर्सरर्स स्टोन मूवी में वोल्डेमॉर्ट का नाम जोर से नहीं लेता है। वो गलत आंसर दे देती है हैग्रिड, पर हाउस सही आंसर दे देती है मैगोनिकल। अब 50 पॉइंट्स का क्वेश्चन एंड्रियाना के लिए आता है, और फैट फ्लेयर का रोल करने वाले साइमन फिशन बैकर सवाल पूछते हैं कि हेल्गा हफलपफ का कप टॉम रिडल के पास आने के पहले कहाँ था। वो सही आंसर दे देती है हैब्जिबा स्मिथ के पास, और हाउस भी सही आंसर दे देती है, यानी हफलपफ का टोटल स्कोर 170 हो जाता है। और अब रायन की बारी आती है और ड्रेको मेलफॉय का रोल करने वाले टॉम फेल्टन क्वेश्चन पूछते हैं कि अम्ब्रिज अपने करियर में इनमें से क्या नहीं रही थी। वो सही आंसर दे देता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट, साथ ही हाउस बी, और स्लिदरिन का टोटल स्कोर होता है 150। नेक्स्ट राउंड द डिपार्टमेंट ऑफ मैजिकल गेम्स शुरू होता है, और टुडेस थीम सॉर्सरर्स स्टोन होता है। वो लोग होमेनम रिवेल्यू चार्म चूज करते हैं, और चार लोग आते हैं जिनमें से उन्हें बताना था कि रियल में मूवी में इन चार में से कौन था, और हिंट दिया जाता है कि इसने किंग्स क्रॉस स्टेशन पर एक रोल किया था। वो लोग सही आंसर दे देते हैं बी। स्लिदरिन वाले ऑब्सक्यूरियो चूज करते हैं और उन्हें ऑडियो सुनाया जाता है, और सवाल आता है कि इस सीन में हैरी अपने किस दोस्त के साथ था। वो लोग सही आंसर दे देते हैं हेडविग। अब हफलपफ एक्यो चूज करते हैं और उनके सामने ओवन ग्लव्स आते हैं, और उन्हें बताना था कि ड्रैगन एग को हैच करते टाइम हैग्रिड ने इनमें से कौन सा ग्लव पहना था। वो सही आंसर दे देते हैं डी।
स्लिदरिन एंगोर्जियो चूज करते हैं। पिक दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि ये किसने पहना था। वो डडली कहते हैं जो कि गलत हो जाता है। हफलपफ को मौका दिया जाता है और वो वर्नॉन कहते हैं और वो भी गलत होते हैं क्योंकि इसका सही आंसर था रॉन। और इसी के साथ स्लिदरिन का स्कोर होता है 200 और हफलपफ होते 270 पर। अब फाइनल गोल्डन स्निच राउंड शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आता है कि जब हैरी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट के अलायंस फिर से मोमेंट शो कर रही है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड में, तो इनमें से वो किसका नाम नहीं लेता। हफलपफ जायंट्स कहते हैं और स्लिदरिन डीमेंटर्स, और स्लिदरिन वाले सही होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि टॉम रिडल की मेमोरी में जाने वाले टाइम पर डायरी में कौन सी डेट लिखी हुई आती है। दोनों जून 13 कहते हैं और सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस मूवी में सॉर्टिंग हैट नहीं दिखी थी। दोनों प्रिजनर ऑफ अज़्काबान कहते हैं और सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सॉर्सरर्स स्टोन मूवी में हैरी को जब पता चलता है कि क्विडिच खेलते टाइम कभी कोई मरा नहीं पर गायब होकर कहीं और मिले थे, तो वो कहां मिले थे। दोनों सहारा डेजर्ट बोलते हैं और दोनों ही सही होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ये किस वॉर्ड ने किया था। दोनों ब्लैकथॉर्न कहते हैं और सही होते हैं। दोनों में अब भी 20 पॉइंट्स का डिफरेंस था। और लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्विडिच वर्ल्ड कप में विक्टर क्रम ने एक मूव किया था ब्रूम पर, उस मूव का नाम क्या था। दोनों बी रॉन्स की फिंट कहते हैं और सही होते हैं, यानी अब फाइनल फैसला फुल हाउस पॉइंट से होना था। स्लिदरिन फुल हाउस 5 सही आंसर देकर 250 पॉइंट्स ऐड करवाती है और हफलपफ भी 5 सही आंसर देकर 250 पॉइंट्स ऐड कराती है, जिससे कि अब भी हफलपफ 20 पॉइंट्स आगे होने से हाउस कप जीत जाती है। और इसी के साथ ये हाईली स्क्रिप्टेड शो खत्म होता है, जहां उस हाउस को सबसे पहले बाहर कर दिया गया जो सीरीज का सबसे ओवरहाइप्ड हाउस था 3 मोर कंटेस्टेंट के कारण, और वो हाउस जिसका जिक्र बहुत कम आया था यानी हफलपफ, जो कि जेके रोलिंग का पर्सनल फेवरेट हाउस था, ये चैंपियनशिप जीत गया और स्लिदरिन और रेवनक्लॉ जो एक्चुअली सीरीज के सबसे इंटेलिजेंट हाउस माने जाते थे नहीं जीत पाए। बात की जाए पर्सनली मुझे ये शो कैसा लगा, तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ खास पसंद आया। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी थे जो एक दो बार मूवी देखने वाले भी इजीली दे लेते। कभी कभी ही एक दो क्वेश्चन ऐसे आए जिस पर सोचना पड़ा, वरना बाकी आंसर तो कोई अगर रियल पॉटर फैन नहीं भी होता तो भी दे लेता। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर इन एवरीथिंग, एंथुसियाज्म, टफ क्वेश्चंस, लेस टॉकिंग एंड मोर क्वेश्चंस। कम से कम कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन सही तरीके से, न कि प्योरली लक के बेसिस पर, जो कि आई डाउट कि लक पर था। आई फील इट वॉज प्री डिसाइडेड एंड स्क्रिप्टेड। आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।